नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ कमल सिंह। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में एलजी और दिल्ली के सीएम के बीच जो खींचातानी का है, ये जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि एलजी और दिल्ली के सीएम में कभी नहीं बनी। जो अभी वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी सरकार है, या फिर कहें कि अरविंद केजरीवाल की, एलजी से कभी नहीं बनी। एलजी से मतभेद हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार एक बार फिर से जो है एलजी और सीएम में दिल्ली के तलवार खींच गई है। और तलवार खींचने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने 3 मंत्रियों के साथ एलजी अनिल बैजल के घर पे धरने पे बैठ गए हैं। 3 मंत्री उनके साथ शामिल हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय अरविंद केजरीवाल के साथ उनके घर पे बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की कुछ मांगे हैं और जिसको लेके कल शाम से वो एलजी के घर पे बैठे हुए हैं। आज सुबह उन्होंने एक वीडियो जारी किया और जिसमें उन्होंने बताया कि उन किन मांगों पे वो एलजी के घर पे बैठे हुए हैं और उनकी मांगे क्या क्या हैं। इससे पहले हम खबर में आगे बढ़ें, आप एक बार ये वीडियो देखिए। हम अभी इस वक्त राजनिवास में एलजी हाउस में बैठे हैं। मैं हूँ, मेरे साथ गोपाल राय जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, 3 मंत्रीगण हैं। हम लोग कल शाम को 5:30 बजे एलजी हाउस आए थे। एलजी साहब से हम लोग मिले थे। मोटे मोटे तौर पे हमारी 2 मांगे हैं, 3 मांगे हैं। एक तो ये कि पिछले 4 महीने से दिल्ली के आईएएस अफसरों ने हड़ताल कर रखी है, आंशिक हड़ताल है। वो लोग किसी मीटिंग में, सरकारी मीटिंग में नहीं आते, किसी मंत्री के फ़ोन का जवाब नहीं देते, फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते। बस जो बहुत ज़रूरी फाइलें हैं वो निपटा देते हैं आके। बाकी कोई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोई दूसरे और कोई काम नहीं कर रहे। इसकी वजह से दिल्ली के लोगों का काम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। अभी गर्मी के छुट्टियों के दौरान सारे स्कूलों में वाइट वॉश होनी थी, वो काम रुका हुआ है। प्राइवेट स्कूलों को ईडब्ल्यूएस का पैसा जाना था, वो रुका हुआ है। सिग्नेचर ब्रिज में आखिरी इंस्टॉलमेंट का पैसा जाना था, वो रुका हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक रुक गए हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में सड़क नालियां बनने का काम रुक गया है। बहुत सारे काम प्रभावित हो गए हैं, बहुत सारे काम प्रभावित हो गए हैं। तो हमने एलजी साहब को कई बार लिखा है, अभी तक हमने कई बार, मैं मिला पिछले 2-3 महीने में, कि इसको, स्ट्राइक को ख़त्म करवाओ। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, 23 फरवरी को हमारी पूरी कैबिनेट एलजी साहब से मिली कि एलजी साहब इस स्ट्राइक को ख़त्म कराओ। उन्होंने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं ख़त्म कराता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया जी ने चिट्ठी लिखी। 28 फरवरी को फिर मैं पर्सनली मिला एलजी साहब से। मैंने पूछा, जी आपने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, क्या हुआ? एलजी साहब ने कहा मेरे को 1 और हफ्ते का टाइम दो। फिर 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया जी ने एक और चिट्ठी लिखी। फिर अगले दिन 1 मार्च को मैंने फिर एक और चिट्ठी लिखी। फिर 16 मई को मैं फिर एलजी साहब से मिला। मैंने कहा अब तो 1-2 महीने बीच में बीत गए, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा 1 और हफ्ता दो, मैं अब कुछ करता हूँ। हमने कहा जी इस तरह से काम नहीं चलेगा, और आपको रिटर्न डायरेक्शन जारी करने पड़ेंगे, आदेश देने पड़ेंगे अफसरों को कि भी हड़ताल इलीगल है, वो काम पे लौटो। तो उन्होंने रिटर्न आदेश देने से मना कर दिया। अब कहते हैं मैं समझाऊंगा। हमने कहा ठीक है जी, समझा लो। 24 मई को फिर तीनों मंत्री, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और मनीष सिसोदिया जी, एलजी साहब से मिले। उन्होंने कहा जी सारे अफसर हमारे पास आके कह रहे हैं कि हम काम पे लौटना चाहते हैं, हमें धमकियां मिल रही हैं एलजी हाउस से। हमें धमकियां धमकियां देके कहा जा रहा है कि खबरदार, जो तुम स्ट्राइक तुम लोगों ने ख़त्म की। तो उन्होंने कहा जी एलजी हाउस एक तरह से स्ट्राइक करवा रहा है, ये हमने एलजी साहब को भी बताया हुआ है। एलजी साहब ने कहा नहीं, ये गलत है, मैं 1 हफ्ता दूँ, मैं बात करता हूँ। फिर 1 हफ्ता दिया। फिर 7 जून को फिर ये तीनों मंत्री आके एलजी साहब से मिले। फिर एलजी साहब ने कहा 1 हफ्ता दो। इसका मतलब स्ट्राइक ख़त्म नहीं कराना चाह रहे वो। तो कल हम उनसे दोबारा मिले थे। हमने कहा जी अब तो स्ट्राइक ख़त्म करवा के ही जाएंगे हम लोग यहाँ से, तब से हम लोग बैठे हैं। दूसरा मुद्दा है कि जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन है, हम सब जानते हैं कि राशन की दुकानें खुलती नहीं हैं, राशन वाला बदतमीज़ी करता है, ज़्यादा पैसे लेता है, कम तोलता है, कम सामान देता है, मिलावट करता है।
तो हमने सोचा ये राशन की दुकानें बंद कर दी जाएं। अब हर आदमी के घर उसका जितना राशन बनता है वो बोरी में पैक करके उसके घर भिजवा दिया जाए, इससे उसको राशन मिल जाया करेगा और इसमें सारे बिचौलिए ख़त्म। बड़ी अच्छी स्कीम है, जो भी सुनता है कहता है ये तो बिल्कुल क्रांतिकारी स्कीम है। इसको एलजी साहब मना कर रहे हैं, और कल जब हम शाम को मिले उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बोले इसकी तो मैं इजाज़त ही नहीं दूंगा, केंद्र सरकार से आपको परमिशन लेनी है। हमें बताया इसका क्या मतलब है, केंद्र सरकार का मतलब गई फाइल 5 साल के लिए। तो हमने कहा कि कानून में लिखा ही नहीं हुआ कि केंद्र सरकार की परमिशन की ज़रूरत है, आप इसमें हमें वो दीजिए। लेकिन एलजी साहब नहीं माने, तो हम यहाँ बैठे हैं, अपने लिए नहीं बैठे, आप लोगों के लिए बैठे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बैठे हैं, दिल्ली के लोगों के स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, मोहल्ला क्लिनिक, सड़क, पानी, बिजली, इसके लिए बैठे हैं ताकि दिल्ली की जनता को सुविधाएं मिल सके। शुक्रिया। वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने अपने तीनों जो मांगे हैं वो बताई। उन्होंने बताया कि उनकी जो मांगे हैं कि जो भी आईएएस अधिकारी हैं आईएएस रैंक के, उनकी हड़ताल को ख़त्म किया जाए, और जो उनका डोर टू डोर जो राशन पहुंचाने वाली जो स्कीम है उस पे काम कराया जाए, और साथ ही में उन्होंने अनिल बैजल पे निशाना भी साधा कि जो स्ट्राइक पे गए हैं अधिकारी वो एलजी हाउस के आदेश पे गए हैं। यानी कि सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल एलजी पे निशाना साध रहे हैं, और तलवार एक बार फिर से खींची पड़ी है दिल्ली के सीएम और एलजी के बीच में। देखना होगा कि ये पूरा जो मामला है किस तरीके से बदलता है, क्या इस पे एक्शन होता है और क्या किस तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल एलजी के घर पे अभी बैठे हुए हैं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों हम आपको फेसबुक और यूट्यूब के जरिए पहुँचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।